गुरुवार को ताजमहल के दक्षिणी गेट पर क्षेत्रीय व्यापारियों की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रामनवमी के उपलक्ष्य में हुई इस भंडारे में क्षेत्रीय लोगों के साथ विदेशी पर्यटकों ने भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। गुरुवार को ताजमहल के दक्षिणी गेट स्थित क्षेत्रीय व्यापारियों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्षेत्रीय व्यापारियों ने रामनवमी के उपलक्ष्य में भंडारा कराया। भंडारे से पूर्व देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन कर उनको भोजन कराया। ये आज जो आयोजन हो रहा है, ये यहाँ ताजगंज के जितने भी हमारे पश्चिमी गेट के दुकानदार हैं, इनके सहयोग से सबने तन मन धन से जो है सहयोग करके और ये भंडारा करा रहे हैं, जिससे यहाँ जनता को थोड़ा सा अच्छा भी लगे और एक कोई ना कोई ताजमहल के आसपास कार्यक्रम होता रहेगा तो आने वाले जितने पर्यटक हैं उनको भी लगना चाहिए कि हाँ आगरा में कोई अच्छे काम होते हैं। इसमें सहभागिता हमारे जितने भी यहाँ दुकानदार हैं, उन्होंने अपने बिना मांगे ही सब, किसी ने व्यवस्था जो है आटे की करी है, किसी ने जो गैस की करी है, किसी ने उसकी रिफाइंड की करी है और किसी ने बहुत बढ़िया तरीके से हमने व्यवस्था करी है। बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है। ये जो आयोजन होता है हर साल करते हैं लोग यहाँ पे आयोजन जी, और ये क्षेत्रीय दुकानदार हैं ये सब करवाते हैं। आज रामनवमी भी है और देवी का भी वो है आज का जो है, तो यहाँ बड़ी धूमधाम से ये होता है। रामनवमी के उपलक्ष्य में ये आयोजन यहाँ भंडारे का चल रहा है। ताजमहल के प्रांगण में इसलिए चुना गया है कि यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा इसका। यहाँ भंडारा चल रहा है, सबके सहयोग से, सबके प्यार से, मोहब्बत से चल रहा है। यहाँ पर जितने भी पर्यटक आ रहे हैं वो भी इस प्रसाद का लाभ ले रहे हैं। ताजमहल के पास हुए इस भंडारे में क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों ने भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। क्षेत्रीय व्यापारियों के संयोग से हुए इस भंडारे में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर भंडारे की व्यवस्था संभाली। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।